रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेज़बान नहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिवीजन करेंगे डेसिमल बाय डेसिमल, बाय कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप जो है, हमने ये प्रॉब्लम लिखी 0.8 इज़ डिवाइडेड बाय 0.4। हम जो है इशारिया को फ्रैक्शन में लिखेंगे। उसके लिए आप जो है पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे वन प्लेस करें और जितने डेसिमल पार्ट्स हैं उतनी ज़ीरो लगा दें। तो ये हमारे पास 8/10 और 4/10 हो जाएगा। इस जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डेसिमल पॉइंट जो है वो उसको इरेज कर देते हैं या उसको गायब कर देते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जब हम इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखते हैं, 8/10 डिवाइडेड by 4/10 is equal to 8/10 multiplied by 10/4, जो दूसरी नंबर है वो साइन के साथ उल्टा हो जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 ones are 4 और 4s 2 are 8 2 आ गया और 10 10 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। प्यारे बच्चों, नो योर वर्थ। हमारी क्या हैसियत है, हम कौन हैं, हमें अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, मैंने इस दुनिया में रह के क्या करना है, ये सारी चीज़ें मेरी खिदमत में लगी हुई हैं। चांद, सूरज, सितारे, अल्लाह ताला ने मुझे ख़ानदान दिया, बहन भाई दिए, मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, इन सारे सवालों का जवाब कुरान मजीद देता है। अल्लाह ताला ने हमें खलीफा बना के दुनिया में भेजा है, हमारा पैदा करने वाला जिसने हमारी रहनुमाई फरमाई। तो प्यारे बच्चों, आज से कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ, उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें ताकि आपको पता चले अपनी हैसियत का। तो अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिवाइड 0.05 बाय 0.005। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और जो हमने स्टेप वाइज ऊपर डिवीजन सीखी है उसके मुताबिक इसको चेक करें। तो पहला स्टेप ये है कि आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जहाँ पे पॉइंट डेसिमल इशारिया उसके नीचे वन लगाएं और जितने डेसिमल पार्ट्स हैं उतनी ज़ीरो लगा दें। तो ये हमारा जो है इशारिया फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगा। तो जब हम नीचे इसको फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं तो डेसिमल पॉइंट गायब हो जाता है, उसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 5/100 डिवाइडेड बाय 5/1000। तो अब हम इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखेंगे, 5/100 डिवाइडेड बाय 5/1000 इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000/5। तो अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 से कट गया और ऊपर हमारे पास 10 बच गया, क्योंकि नीचे 100 है ऊपर 1000 है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 10। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास डिवाइड 1.575 बाय 4.5। तो वही पहला स्टेप हम करेंगे, इसको इशारिया को फ्रैक्शन में लिखेंगे। हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट इशारिया के नीचे वन लिखा और जितने डेसिमल पार्ट्स हैं उतने ज़ीरो लगाए। तो 4.5 के नीचे 10 आएगा और अब हमने उसको 1575/1000 हमने डेसिमल पॉइंट या इशारिया को इरेज कर दिया। तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए। और आपको पता है कि जब हम इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखते हैं तो डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और 45/10 की बजाय 10/45 हमारे पास आ जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन जो है वो उल्ट जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम सबसे पहले एक जीरो 10 की काटेंगे और नीचे 100 रह जाएगा। फिर आप देखेंगे 5 का टेबल करें तो 9 5s are 45 और ऊपर 315 आता है। फिर उसके बाद हम 9 ones are 9 और हमारे पास 35 आ गया। तो 35/100, तो अब हम इसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 1 के ऊपर और 2 हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स है, तो ये जवाब आ गया हमारे पास 0.35। तो प्यारे बच्चों, जब हालात झुका दें, उठें, अल्लाह से रजू करें और जब अरूज पर हों झुक जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको ज़्यादा नवाजता है। उम्मीद है आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।